guys, and I'm back with another video. So guys, जैसे कि हमारा पिछले से पिछला वीडियो था आपको हायाबुसा को दिखाने को लेके more than one. तो आज हम फिर से इस वीडियो में लेके आ चुके हैं more than one bike. उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप हमें ज़रूर बताने कि आपको एक से ज़्यादा बाइक एक वीडियो में देखना पसंद है कि नहीं है. तो ज़्यादातर आप सब में से यही कहा था कि जितना भी सेम कंपनी का स्टॉक हो एक बारी में एक गो में दिखा दिया करो. तो आज हम भैया फिर से लेके आ चुके हैं जसनीत भैया के साथ. तो भैया क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया. वैसे वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, दिस इज मी जसनीत सिंह, स्ट्रेट बैक अगेन फ्रॉम मिस्ट्री बाइक व्लॉग्स चैनल पे सुपरबाइक्स पर सरस्वती मोटर्स. एंड अभी मैंने हायाबुसा वाला वीडियो देखा, मैंने चेक करा, हार्डली 7-8 दिन ही हुए हैं एंड उस पर 1,00,000 व्यूज जा चुके हैं भर के प्यार में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मेरी 6 में से 3 बाइक्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं एंड एक बाइक की भी अभी डील चल रही है पीछे, तो वो भी हो जाएगी. तो ये सारा आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, जो आप लोग इतना सपोर्ट देते हो, प्यार करते हो, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं. तो कीप लविंग एंड सपोर्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है. एंड बेसिकली दिस इज़ हाउ वी कम्पीट इन द मार्केट, नॉट बाय पुलिंग समवन अदर्स लेग बट बाय प्रूविंग आवर सेल्फ कि हाँ हम काम करने आए, हम अच्छा काम करते हैं. बिल्कुल आजकल तो कुछ वीडियोस को ज़्यादा ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स में पता चल रहा है जी. तो ऐसे ही कमेंट्स करते जाइए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ. इसकी वीडियोस पर स्पेशली मैं सारे कमेंट्स पे थम्स अप भी देता हूँ, सबको कमेंट्स को लाइक करता हूँ. तो जहाँ आपको दो तीन लाइक्स दिखते होंगे ना, तो देखना उसमें से एक मेरा ही है. पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई भी कर पाऊँ, बट कभी कभार इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ कि फ़ोन बचता रहता है. आप सब लोग याद करते हो मुझे, तो मैं आपको रिवर्ट बैक करने के चक्कर में यूट्यूब पर थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट उसके लिए अर्जन है. सो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, दिस इज़ गोना बी समथिंग रियली अमेजिंग. एंड आज तक फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आज तक मेरी दुकान पे या मेरे शॉप पे कभी भी ऐसा कोई वीडियो शूट नहीं हुआ है, शायद यूट्यूब पे भी ऐसा वीडियो नहीं होगा. तो ऐसी अमेजिंग कंटेंट अगर देखना चाहते हो बार बार, तो सबसे पहले नीचे जाके मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, दैट आई कैन गारंटी यू. और अब स्पेसिफिकेशन देना चालू करूँगा बाइक्स के बारे में, तो हेडफोन्स पहन लो, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये. एंड यस लेट्स बिगिन. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो गाइस, जैसा कि अभी आपने सिनेमैटिक्स देखे होंगे, इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं सारी की सारी ट्रायम्फ्स. ट्रायम्फ अपने आप में एक ट्रायम्फ है. एंड जैसा कि आज आप देख रहे हो, मेरे पास काफ़ी वैरायटी खड़ी है आज ट्रायम्फ के अंदर. तो आइए पहले शुरुआत करते हैं सबसे छोटी बाइक से जो मेरे पास है फिलहाल यहाँ पे, दैट इज़ योर ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 675. दिस इज 675 cc's इनलाइन 3 सिलेंडर बाइक है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्ट्रीट फाइटर. स्ट्रीट फाइटर मतलब जो नेकेड बाइक्स होते हैं उनको स्ट्रीट फाइटर भी कह सकते हो आप, जो स्ट्रीट्स पे चलने के काम आती हैं. तो ये सबसे मज़ेदार, सबसे हल्की बाइक है शायद इस कैटेगरी के अंदर जो मैंने आज तक चलाई है. इस चीज़ में बात करी जाए तो पहले इसके अंदर आगे आप देखेंगे इसका टायर, दिस इज़ नेक्स्ट टू न्यू, बेली 300 किलोमीटर्स एंड टायर. उसके अलावा इसके अंदर अगर और एक्सेसरीज की बात करें तो ये ट्रायम्फ की तरफ से इसके अंदर लगे हुए हैं फोक प्रोटेक्टर्स. थोड़ा सा आगे आओ, आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, ये लगे हैं ट्रम्प की तरफ से क्रैश गार्ड्स. इसके अंदर लगा हुआ है इंजन गार्ड अलॉन्ग विद योर क्रैंक केस प्रोटेक्टर्स. और मेन चीज़ जो है दैट इज़ योर एरो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट. दिस इज़ ओरिजिनल एरो का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट. पीछे आओगे अभी, और अभी तो शुरुआत हुई है,
पीछे इसके अंदर लगा हुआ है मिशेलिन रोड पायलट 4 का ब्रांड न्यू टायर वंस अगेन। ये ब्रेक्स खाली पर देख सकते हो, नीचे इसमें लगे हुए हैं स्पूल्स। उसके अलावा इसके अंदर लगा हुआ है ये टैंक पैड अगेन बाय ट्रायम्फ। दिस बाइक हैज़ बीन ड्रिवन फ्रेंड्स 12,000 किलोमीटर्स, 12,000 किलोमीटर चली हुई है। चंडीगढ़ नंबर है, CH रजिस्टर्ड है, सेकंड ओनर है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर अगर आप ये वाइज़र देखोगे, ये भी RS वाला वाइज़र है जो स्ट्रीट ट्रिपल RS में आता है। और इसके अंदर अगेन वही रैम एयर माउंट्स लगे हुए हैं, जो अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है, दैट इज़ अगेन एयर बॉक्स ऑफ स्ट्रीट ट्रिपल RS। इसकी परफॉर्मेंस इट्स अमेजिंग, बहुत मज़ेदार है। चलो इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको पहले, फिर आगे दूसरी बातें करते हैं। ये ABS की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो दैट मीन्स में ABS भी है। उसके अलावा शिफ्ट इंडिकेटर लाइट्स है, बहुत सारे फीचर्स है। लैप टाइमर मिलता है आपको, आप इसको सेट भी कर सकते हो यूनिट्स अपने हिसाब से। तो चलिए लेट्स फायर इट अप। तो ये जो थी, ये थी स्ट्रीट ट्रिपल आपकी नेकेड में। अब बारी आती है इसके ऊपर 675 सीसी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज़ योर बॉनेविल A3। ये जो बाइक है दोस्तों, बॉनेविल सीरीज़ के अंदर सबसे मज़ेदार बाइक है। पैलेट ट्विन इंजन है इसका, ट्विन सिलेंडर है, 865 सीसी का इसमें इंजन होता है, 865 सीसी की आपको एक क्रूज़र मिलती है विथ पैरेलल ट्विन्स। तो वाइब्रेशन की तो इसके अंदर बात है ही नहीं, अनलाइक हार्लीज। हार्लीज के अंदर वी ट्विन इंजन होता है, ये पैरेलल ट्विन मतलब ये जो दो आप सिलेंडर्स देख रहे हो, एक ये रहा एक वो रहा, ये इनलाइन टू कह लो। अगर आपको एक इजी वे में समझाना चाहूँ, ये इनलाइन टू हो गया। हार्लीज के दोनों इंजन यहाँ होते हैं ऐसे वी शेप में, वो वी ट्विन होते हैं, ये पैरेलल ट्विन्स हैं। पैरेलल ट्विन्स हमेशा स्मूथ चलते हैं एंड अग्रेसिव थोड़े से कम होते हैं, रादर दैन वी ट्विन्स आर मोर ऑन द अग्रेसिव साइड। तो ये जो बाइक है थोड़ी रिलैक्स चलती है, गर्म भी इतनी नहीं होती है, मज़ेदार चलती है ये बाइक। एंड अबाउट दिस A3, A3 मॉडल है, T100 या A3 कैसे, थोड़े बहुत फ़र्क है T100 A3 में भी, बट दिस शेयर द सेम इंजन। इसको पूरा अगर आप ओवरऑल लुक देखोगे तो दिस लुक हैव बीन केप्ट रेट्रो। ये सिंगल सीट है लॉन्ग अगेन टू कीप द रेट्रो लुक। इसकी लाइट देखिए RD350 जैसी रिजेंबल करती है जैसे पहले आती थी। उसके बाद दोनों तरफ इसके एग्जॉस्ट हो गए, अगेन टू कीप दोज थिंग्स रेट्रो। ये जो अलग एक्सेसरी देख रहे हो आप, दिस इज़ टू कीप योर पैनियर्स। यहाँ दोनों तरफ आपको मैं पैनियर्स दूंगा साथ में, जो लगेज कैरियर्स बैग्स होते हैं, तो मेंटेन दैट कंप्लीट रेट्रो लुक। तो दोस्तों लगेज के साथ साथ ये बाइक भी बहुत मज़ेदार है, और उसके अलावा इसमें काफ़ी सामान लगा हुआ है। आओ आपको बाइक के बारे में सामान दिखाता हूँ। ये पहले टैंक पे देख लो, दीज आर योर टैंक ग्रिप्स अगेन बाय ट्रायम्फ। आगे आप देखोगे वाइजर लगा हुआ है बहुत बड़ा सा टू डिक्रीज द विंड ब्लास्ट, दिस इज ऑल्सो अगेन बाय ट्रायम्फ। ये वाइजर के बाद इसमें अंदर लगा हुआ है दोस्तों ये लेग गार्ड, विच इज़ ऑल्सो अगेन बाय ट्रायम्फ। लेग गार्ड कह लो या क्रैश गार्ड्स कह लो, कि आपकी बाइक जस्ट फॉर एन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस गिर जाए तो कोई नुकसान ना हो। तो गाइज ये 14 मॉडल है और 15 रजिस्टर्ड है, 14 मैन्युफैक्चर्ड 15 रजिस्टर्ड, दिल्ली नंबर है। द बाइक हैज़ बीन ड्रिवन नियर अबाउट 18,000 किलोमीटर्स, 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। प्राइस इसका मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा सबका, तो बने रहिएगा दोस्तों। अगर प्राइस आना चाहते हो तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो अब इसकी आवाज़ सुनाते हैं, आओ पहले इसकी चाबी ढूंढ के बताओ अर्जुन, इसकी चाबी कहाँ है? चाबी ये रही, ये तो चीटिंग करी है तूने, तुझे पता था ना, कई लोग ढूंढते रहते भैया चाबी तो यहाँ पे भी नहीं है, चाबी यहाँ साइड पे भी नहीं है, तो ये चाबी कहाँ है? तो चाबी इसकी ये रही, मैं आपको एक बार ये क्लियर पिक्चर दे देता हूँ, और बहुत छोटी सी चाबी है, क्यूट सी, इवन रॉकेट की भी इतनी चाबी है। तो अभी आपको रॉकेट की भी चाबी दिखाते हैं। सबकी चाबी छोटी है? नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़ी सारी फ्यूज आती हैं, इनकी चाबी बड़ी बड़ी भी आती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी
गाइस ये थी हमारी बॉनेविल की T100 और A3 कह सकते हो। T100 थोड़ी सी इससे एडवांस है थोड़ी सी। अब जो नेक्स्ट बाइक है वो है इस बॉनेविल का बड़ा भाई। दिस इज़ ऑल्सो अगेन योर बॉनेविल बट दिस इज़ T120 दोस्तों वही है जो पहले मेरे पास एक बॉबर आई थी उसकी वीडियो में डाला था। तो बॉबर और ये दे शेयर द सेम इंजन्स बट थोड़े से राइडिंग मोड्स थोड़ा सा इसके मैपिंग डिफरेंट है। तो इस बाइक की बात वही बाइक थी जिसकी पूरी डिटेल हो गई थी बट वीडियो रह गया था। सो अब T120 के अंदर जो डिफरेंस है बेसिकली वो आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों के बीच में। जो मेन फर्क है इसके अंदर आगे आपको मिलती है ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स। आप आगे देख सकते हो विद ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स ये बाइक इलेक्ट्रॉनिकली भी काफ़ी एडवांस है। एंड इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट के साथ साथ इंजन इनके जो हैं वो ये थी 865 cc's, दिस इज 1200 cc's, 1200 cc का अगेन पैरेलल ट्विन इंजन। आप देख सकते हो दोनों आपकी जो पिस्टन है आपके सामने है। पैरेलल ट्विन्स आर अगेन नोन फॉर देयर वेरी स्मूथ एंड प्लेजरेबल ड्राइव। और एक बार इसका इंजन देखिए, लुक एट ऑल दैट क्रोम, कितनी अच्छी एक्सेंट्स है। ये छोटा सा इसके अंदर हेजी गोल्डन कलर की एक्सेंट है, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी प्रीमियम। ट्रायम्फ की जो है ये इग्निशन कॉइल्स हैं, ये जो स्पार्क प्लग्स होते हैं बेसिकली ऊपर कॉइल्स लगती है, तो ये वो चीज़ है। उसके साथ बॉनेविल T120 इसमें लिखा हुआ है, द ब्रांडिंग ऑफ बॉनेविल। एंड अब आ जाते हैं बाइक के ऊपर दोस्तों। दिस इज 2018 मॉडल, 18 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड, दिल्ली नंबर है, सिंगल ओनर बाइक है, सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है, ओनली 3000 किलोमीटर। हाँ एक बार आओ सब लोग, इसकी इग्निशन सीक्वेंस भी बड़ी प्यारी लगती है। सो 3065 किलोमीटर ड्रिवन, मिंट बाइक जिसको कहते हैं ना मिंट, क्लीन, नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच और अ डेंट, कोई निशान तक नहीं है बाइक के ऊपर, ये वो चीज़ है। दिस इज़ वेरी वेल केप्ट एंड ट्रस्ट मी, वेरी वेल केप्ट का मतलब इनसाइड आउट, ये नहीं कि बार बार से बाइक चमक रही है अंदर से ख़त्म है। तो दिस बाइक हैज़ बीन वेरी वेल केप्ट इनसाइड आउट। यही नहीं, सारी बाइकें मेरे पास जो भी आपको सरस्वती मोटर्स में मिलेंगी बाहर से चाहे इतनी चमकती नहीं मिलेंगी, लेकिन अंदर से मैकेनिकली आई मेक श्योर कि मैं पर्सनली बाइक चलाऊँ, पर्सनली चेक करूँ, उसके बाद आपको मैं चीज़ डिलीवर कर पाऊँ। तो ये मेरे जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने स्टोरी में भी ये डाली थी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको दिख जाएगी। मैं पर्सनली 3-4 दिन से इस बाइक को चला रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, मैं हमेशा पोल डालता रहता हूँ, गेस दिस बाइक, गेस द नेक्स्ट बाइक। भैया स्टोरी के बाद ही इस वीडियो का डिमांड आया था बेसिकली। अच्छा, सो 1200 cc's ऑफ प्योर, मतलब मैं कहता हूँ मज़ेदार बाइक है ये, उनके लिए बनी है बेसिकली जो 40 से ऊपर हो गए ना, मेरे पापा हो गए या आपके भी पापा हो गए या जो मेरे व्यूअर्स है जो ओवर 35-40 ईयर्स की एज में, जिनको चाहिए रिलैक्स्ड बाइक फॉर अ लॉन्ग पर्पस, लॉन्ग टूरिंग के लिए, दिस इज़ द बेस्ट बाइक फॉर यू। ट्रस्ट मी, इससे अच्छी बाइक शायद आपको क्रूजर नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। एंड दिस बाइक इट्स लोडेड विद एक्सेसरीज ऑल्सो। एक्सेसरीज से अगर बात करी जाए, इसके अंदर आगे लगा हुआ है वाइजर अगेन बाय ट्रायम्फ। गाइस अब इस बाइक के अंदर एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं तो पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैक। ये पैनियर किट इसमें लगी हुई है, दूसरी तरफ का भी मिल जाएगा आपको, मेरे फिलहाल यही है। ये सैडल बैग्स के अंदर जो लगेज कैपेसिटी है दैट इज़ टू गुड। आप कभी लॉन्ग किसी रूट पे जाते हो तो छोटी मोटी चीज़ें, पानी की बॉटल या इफ समथिंग एक्सपेंसिव इज देयर, कैमराज वगैरह, यू कैन ईजिली कीप योर लगेज इन दिस थिंग। बहुत ही हैंडी चीज़ है ये। उसके अलावा एग्जॉस्ट इसके स्टॉक है, नथिंग एज सच, कुछ भी इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगे हुए हैं, वैसी चलान बहुत कट रहे दिल्ली के अंदर। टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं अगेन बाय ट्रायम्फ इटसेल्फ। लेग गार्ड लगा हुआ है अगेन बाय ट्रायम्फ। ये सीट्स इन्होंने एक्स्ट्रा फोम सीट्स लगी हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार सीट्स हैं, आप बैठोगे। ये भी ट्रायम्फ है, ये सीट कवर अलग से लगा हुआ है, तो ये ओरिजिनल सीट को ही थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा पायलट करा हुआ है। उसके अलावा वाइजर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं इस बाइक के ऊपर। इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको मिलते हैं मोड्स। गाइस अभी तक ये वाली पन्नी भी नहीं उतरी है, पन्नी भी नहीं उतरी, बहुत फ्रेश है। ये एक बटन है, यहाँ से आपको राइट साइड में दिखाना चाहूँगा, ये जो बटन है ये एम लिखा हुआ, दीज आर फॉर योर मोड्स। अब इसके अंदर आप देखोगे रेन रोड लिखा आ रहा है, रेन एंड रोड। मैं आपको इसके मोड्स दिखाता हूँ। अब ये रोड मोड पे आ गई है, ये बड़ी दबाऊंगा तो इट कम ऑन रेन मोड। रेन मोड के अंदर आपको क्या होता है कि बाइक स्लिप नहीं मारेगी, ज़्यादा पावर नहीं रहती है बाइक के अंदर, बारिश के अंदर थोड़ा ट्रैक्शन कम मिलता है। इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो TCS के साथ साथ ये राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ABS कम दिन स्टैंडर्ड, ABS भी है इसके अंदर। मोर ओवर इसके अंदर आपको मिलती है हीटेड बार ग्रिप्स। ये जो बटन आप देख रहे हो इससे आप अपनी इसको गर्म कर सकते हो। रैम्स की
टाइगर वाइगर सब में ज़्यादातर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। सो ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर एक पहचान, ऐसे फीचर्स वगैरह बहुत कम बाइक्स में आते हैं। सो विंटर राइडिंग के अंदर योर वार्म, योर हैंड्स विल बी वार्म, हीटेड बार ग्रिप्स का फ़ायदा आपको विंटर्स में पता चलेगा। और 3000 चली है, अब आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। लेट्स डू इट। सो गाइस, ये थी बॉनेविल की T120 1200 सीसीज ऑफ मज़ेदार बाइक, फुल फन पैक बाइक है ये और रिलैक्स्ड है। अब 1200 सीसी का डबल क्या होता है अर्जुन? 2400। ऊंची बोलो थोड़ा सा। अरे 2400। 2400। तो 2400 सीसी की बाइक, अब तो नई वाली वैसे आई है, 2400 की आई है, बट जो नेक्स्ट बाइक है दैट इज योर ट्रायम्फ रॉकेट 3, 2300 सीसी इनलाइन 3, मतलब इसके अंदर इतना टॉर्क है, रैंप ही निकालता ना इतनी ज़्यादा सीसी की बाइक। हाँ, ट्रायम्फ भी निकालता है, उसके अलावा दो तीन बाइक्स और भी आती है, होंडा की तरफ से रून आती है और बॉस हॉर्स आती है V8 इंजन के अंदर, बट क्रूजर्स वो भी क्रूजर्स हैं, बट जो अभी फिलहाल इंडिया के अंदर है मेरे हिसाब से शायद एक बॉस हॉर्स है और एक ट्रायम्फ रॉकेट थ्री, तो चलो बहुत सारी हैं। और एक करोल बाग। यस, तो ये जो बाइक है दोस्तों स्पेसिफिक ट्रायम्फ रॉकेट 3, दिस इज 2300 सीसीज इनलाइन 3, साइड माउंट इंजन होता है इसका, ये जो आप देख रहे हो तीन सिलेंडर्स हैं यहाँ पे, दिस इज साइड माउंट इंजन, और एग्जॉस्ट जो है यहाँ से आके डाइवर्ट होता है दो में, उस साइड और इस साइड दोनों तरफ इसके एग्जॉस्ट होते हैं। तो दोस्तों कई बारी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कई लोग कहते हैं कि V6 है या 6 सिलेंडर है, ये नहीं है, दिस इज 3 सिलेंडर्स 2300 सीसीज एंड द बाइक इज लिटरली, इसके अंदर टॉर्क इतना है कि ये धरती घुमा दे, चेसी हिलाती है, और दिस थिंग हैज लिटरली इनफ टॉक टू शेक दिस अर्थ, ट्विस्ट दिस अर्थ। एंड अगर इस बाइक की स्पेक्स आपको बताऊं, शायद मैं क्या ही बता पाऊंगा इस बाइक के अंदर, इसके सब कुछ इतना बड़ा बड़ा है। मोस्ट अवेटेड वीडियो है रॉकेट का अभी तो, इसका एक स्पेशल वीडियो मैं बनाना चाहूँगा बाद में, एक ओनली डेडिकेटेड फॉर रॉकेट। आज मैं आपको ऊपर से इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो ये जो बाइक है इसका टायर साइज देखो पहले, टायर इज ह्यूज, ये रेडिएटर देखिए इसका, ये जो लगा हुआ है सामने फॉर कूलिंग द इंजन, दिस इज ऑल्सो अगेन ह्यूज, दीज टू लाइट्स द स्टेयर एट यू लाइक दे गोना किल यू। और इतनी बड़ी बाइक की चाबी, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, सिर्फ इतनी सी भैया की सिर्फ दो उंगली में आ रही है, तीन उंगली में आ रही है भाई, तीन उंगली में आ रही है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर एक्सेसरी सी बात करें तो लेग गार्ड लगे हुए हैं दोनों तरफ, आप देख सकते हो। एंड इधर से आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर लगा हुआ है टैंक ग्रिप्स एंड योर टैंक पैड, बोथ बाय ट्रायम्फ, ट्रायम्फ की तरफ से लगे हुए हैं। बाकी सब कुछ स्टॉक है बाइक के अंदर, 8900 चली हुई है। एक बार आपको मैं इसका भी इग्निशन सीक्वेंस दिखाता हूँ, अर्जुन आओ मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी चाबी भी आगे है, चाबी आगे है तो भूलना मत, चाबी कहाँ है इसकी, मैं उस दिन ढूंढ रहा था भाई सही। अच्छा, सो दिस इज 8967 किलोमीटर्स ड्रिवन। बाकी इस बाइक के अंदर आपको ABS मिलता है, उसके अलावा देर आर नो राइडिंग मोड्स, नथिंग व्हाटसोएवर, दिस इज प्योर मैडनेस, प्योर पावर। इस साइड माउंट इंजन की वजह से इसमें इतना टॉर्क है, आप खड़ी बाइक के अंदर जब रेस देते हो ना, तो रेस देते बाइक इधर को भागती है, रेस दी इधर भागी, रेस दी इधर भागी, खड़ी बाइक, तो इतना टॉर्क है इस बाइक के अंदर, आप सोच सकते हो कि दिस इज़ नॉट फॉर न्यूबीज़, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार ही एक सेगमेंट में आना चाहते सुपर बाइक्स के लिए, ये रादर एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों। मैं तो एक्सपीरियंसड हूँ, मेरे को भी अच्छी लगती है चलाने में, मज़ेदार है, बट दिस थिंग इज़ ह्यूज, ट्रस्ट मी दिस इज लिटरली ह्यूज। इसका टैंक देखो एक बार यार, इसी टैंक का साइज देखो, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ भी अच्छा खासा बड़ा है, ये वाला टैंक देखो और वो वाला टैंक, वो फर्क दिख जाएगा दोस्तों, वही फर्क है, डबल का ही फर्क है, बिल्कुल वही 1200 है तो ये 2400 सीसी की आ गई है, डबल का ही फर्क है, बट ये 3 सिलेंडर्स है, ये 2 सिलेंडर्स थी, दिस 3 सिलेंडर्स, द बाइक इज ह्यूज, 2015 मॉडल है, 8900 चली हुई है, डेनिम ब्लैक कलर है विद वाइट स्ट्राइप्स, बाइक इज एक्सेप्शनली गुड, वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। ये बाइक मेरे पास अंदर ही खड़ी रहती है, मैं इसको बाहर निकालता ही नहीं हूँ, ये बाहर निकालते हैं एग्जैक्टली, तो इसको मैं टेस्ट ड्राइव में नहीं दे पाऊँगा इसकी, और कभी मांगना मत सॉरी, हाथ जोड़ के बेनती है कि ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है कि आपकी जान के साथ खेल देगी, लिटरली दिस थिंग हैज़, मतलब कह सकते हो ना, एक गलती तो वो गलती आपकी जान पे भारी है, तो ये वो चीज़ है। लेकिन चलाने का मज़ा दोस्तों इसका नेक्स्ट लेवल फन है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, जब चलती है तो बहुत लाइट फील होती है, लेकिन पावर के टाइम पे ये ऐसी पावर देती है, ऐसे उठा देती है आगे से ऊपर, तो मज़ा आ जाता है दोस्तों।
दिस इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट बाइक्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रायम्फ, जो मेरा मानना है, मेरा जरिया नज़रिया देखने का। सो गाइस, रात हो गई थी, बड़े सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप काला चश्मा क्यों पहन के घूमते रहते हो, तो नज़र का चश्मा मेरा दोस्तों, वो नया बनवाया मैंने, दूसरा लिया वैसे भी, एक है हमारे भाई मित्र जिनको मेरे चश्मे में बड़ी प्रॉब्लम है, सो प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे पंगे लेते रहते हैं मेरे से, तो मैंने नया चश्मा ले लिया मेरे भाई, एक और दूसरा ले लिया, और दिस इज़ माय पावर्ड लेंसेज, वो भी पावर्ड है, ये भी पावर्ड है, नज़र कमज़ोर है, क्या करूँ, स्वैग भी रखना है और चश्मा दिखाना भी है, देखना भी है, रखना पड़ता है। तो आते हैं भाई इस पर फिर से, भाई दो चार चीज़ मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा आपको दोस्तों। इसका जो टैंक साइज़ है, दिस इज़ नियर अबाउट 24 लीटर्स, 24 लीटर का टैंक है इसका, 24 लीटर समझते हो कितना होता है, 20 लीटर की घर में पानी की बोतल आती है ना बड़ी वाली, वो उससे भी 4 लीटर फालतू है ये, करके करते रह जाओगे बस। एग्जैक्टली, सो 24 लीटर्स ऑफ टैंक, 146 हॉर्सेस, 145 हॉर्सेस इसके अंदर जो पावर है, 146 हॉर्स पावर है, और क्रूजेस आर ऑल अबाउट द टॉर्क, इसका जो टॉर्क है दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल टॉर्क है, नेक्स्ट लेवल, ओवर 220 न्यूटन मीटर, 220 न्यूटन मीटर से ऊपर का इसमें टॉर्क है, तो आप सोच सकते हो कि विद दैट ट्विस्ट ऑफ थ्रॉटल ये बाइक कैसे खींचती होगी, कैसे भागती होगी। तो ये इस बाइक की खासियत है, रॉकेट 3 की, नाम ही ऐसा है रॉकेट 3, अब जो नई रॉकेट 3 आई है वो भी रॉकेट 3 है, तो रॉकेट 2, 3, 4 मत समझना कि रॉकेट 1, 2, 3, 4 ऐसे आती है, रॉकेट 3 का बेसिक मतलब ये है, बाइक्स नेम इज़ रॉकेट एंड 3 स्टैंड्स फॉर 3 सिलेंडर्स इन द बाइक, तो ये 3 सिलेंडर बाइक है, दैट्स वाई इट्स नेम्ड एज, या ये रॉकेट 3 लिखा हुआ है इस पर, 2300 cc's, रॉकेट 3 स्टैंड्स फॉर 3 सिलेंडर इंजन, दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड रॉकेट 3। अब जो नई आई है उसमें सिंगल साइज स्विंग आर्म है, वो तो और ह्यूज है, वो 2400 cc की है, दैट्स ऑल्सो रॉकेट 3, बट 3 स्टैंड्स फॉर इनलाइन 3। तो चलो मैं आपको सबके प्राइसेस बताता हूँ, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये जो ट्रम्फ मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी वीडियो के अंदर, इसका जो प्राइस हमने रखा हुआ है दैट इज 5.25 लाख्स, विच इज़ नेगोशिएबल, सारे प्राइसेस नेगोशिएबल हैं, आप आओ बैठ के डील करते हैं, मैच्योर करते हैं, और कंपनी चेक करो फिर बाइक लो। और एक और चीज़ बता दूँ, इसकी अभी सर्विस हुई है हार्डली 500 किलोमीटर पहले ट्रायम्फ से ही, आप ट्रायम्फ में चेक कर सकते हो, बाइक चंडीगढ़ की है बट दिल्ली में सर्विस हुई है, आपको बिल भी मैं इसका शेयर कर दूंगा, बाइक इज़ फुली इंश्योर्ड, सारे पेपर हैं, सब कुछ है, दूसरी चाबी भी मिल जाएगी, वी आर एक्सपेक्टिंग 5.25 लाख्स, 5.25 लाख रुपये, वेरी रीजनेबल फॉर ट्रायम्फ सीट ट्रिपल, वो भी आगे नेगोशिएबल है। तो नेक्स्ट आ जाती है बॉनविल A3 की बारी, ये 2014 मैन्युफैक्चरिंग, 15 रजिस्टर्ड है, 18,000 चली है, दिल्ली नंबर है, सिंगल ओनर है, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हम रखा हुआ है दैट इज़ 4.25 लाख्स, 4.25 लाख रुपये में आपको ये मिल जाएगी, वो भी नेगोशिएबल है, जो 4.25 लाख में ट्रम्फ मिल रही है, 865 cc's, पैरेलल ट्विन, लोडेड बाइक, पैनियर्स भी साथ में दूंगा आपको इसके अंदर, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड फॉर जस्ट 4.25। अब आते हैं बॉनविल के बड़े भाई पे, बॉनविल T120 के ऊपर, T120 जो है 2018 की है, एंड अगेन 3000 ड्रिवन, HR26 गुड़गांव रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर बाइक है, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हमने रखा हुआ है दैट इज़ 7.9 लाख्स, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल, 7,90,000 रुपये की आपको ये 2018 मॉडल, ये तो बुलबुल का बच्चा है, ये तो लिटरली बुलबुल का बच्चा है, वो भी सारे प्राइस नेगोशिएबल है, किसी को लगता है हाई है या लो है, कुछ भी है, आप आओ, आपको बेस्ट प्राइस में मौके पे दूंगा, तो ये मत कहना भैया जो भी है। अब रही बात रॉकेट 3 की, रॉकेट 3 2015 मॉडल की है, ट्रैक्टर 8900 चलिए, ट्रैक्टर बना रहा है अर्जुन, देखो इसको कमेंट्स में तो गालियाँ पड़ेंगी, सॉरी नो ऑफेंस। सो दिस बाइक वी आर एक्सपेक्टिंग 12 लाख्स फॉर दिस रॉकेट 3, बाकी सब जो भी होगा मौके पे नेगोशिएबल है, 2015 मॉडल है, 8900 लगभग 9000 किलोमीटर चली हुई है, यूपी रजिस्टर्ड है, VIP नंबर है इसका, एंड 9000 ड्रिवन है, सर्विस रिकॉर्ड के साथ, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 12 लाख रुपीज़, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल। सो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो 4 ट्रायम्फ की बाइक को लेके, हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई, आवाज़ सुनाई, अच्छे से सारी प्राइस बताई, गाइस प्राइस सारे नेगोशिएबल होते हैं। और पाजी, मैंने एक बात देखी है, मैं वीडियो डालता हूँ, 9:30 बजे वीडियो डाली और 35 पे लोगों के कमेंट आने लगते हैं, भाई प्राइस। तो गाइस, पहले पूरी वीडियो अच्छे से देख लिया करो, प्राइस होता है, बट एंड में इसलिए बताया ताकि मैं इकट्ठे प्राइस बता दूं आप लोगों को, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर, क्लियर ओवरव्यू हो जाए कि सारी बाइक में प्राइसेस का डिफरेंस कितना है, तो एक एंड में। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद तो कमेंट्स करना, मैं सारी डिटेल्स के साथ साथ आपको प्राइस बताता जाऊँगा,
चैनल देखो आपके लिए खुला हुआ है, मैं भी आपके लिए बैठा हूँ, तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो वहीं आपके लिए फिर प्राइजेस मैं दूंगा, जैसा आप चाहते हो वैसे ही आपके लिए होगा। ये बस थोड़ी सी एक्साइटमेंट जगाने के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत आपसे पंगे लेते रहता हूँ मैं, बट हाउएवर यू लाइक गाइस वी डू लाइक दैट ओनली। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा जरूर। एंड अवॉइड माय फेस गाइस, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ तो थोड़ी सी टायरिंग फेस हो जाता है मेरा, सो लिटरली आई एम ऑन अ वेरी टायरिंग सिचुएशन राइट नाउ, तो ये मत बोलना एक दो लोग कमेंट मैंने पढ़े थे भैया तो सेट लग रहे हैं, हाई लग रहे हैं, तो इट्स नॉट हाई यार, तो ये थोड़ा सा बस थक जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं भागते रहते हैं तो थोड़ी बहुत थकावट हो जाती है। बाकी आई होप आपको वीडियो तो पसंद आया होगा। और गाइस ऐसे ही अगर आपको हार्डली का वीडियो देखना है, 4-5 हार्डलीज भी हम पे बहुत सारी खड़ी हैं। बाकी गाइस ये कौन सी बाइक खड़ी है तो बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर गेस करना, ये सबसे मिंट कंडीशन की बाइक खड़ी है अभी तक यहाँ पे, मजेदार बाइक है इसके, मैं भी ये डिस्क्लोज कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे यूजर जो है वो नीचे डाल भी आ रहा होगा, इसका भी आ रहा होगा, दोनों को डाल देना। अगर आप कुछ चाहते हो कि नया नया स्टॉक जो नई नई बाइकें आती हैं कौन कौन सी आती हैं एंड थोड़ा बहुत मेरे क्लोज आना चाहते हो कि व्हाट इज़ माय लाइफस्टाइल, मैं कैसे हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज मेरी काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में फ्लड आया हुआ है लिटरली, अभी भी खोल के दिखाऊंगा तो बहुत बुरी हालत दिखाई नहीं है, तो अभी मेरे को वीडियो में डिमांड आते हैं। थैंक्स है आपका सबका, हाथ जोड़ के शुक्रिया है कि इतना सारा प्यार आप करते हो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार सीरियसली। और भैया जी मेरी वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो आई लिटरली फील कि आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग, मेरे लिए इज्जत सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इज्जतदार बंदे हैं, इज्जत मेरे लिए मैटर करती है, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है, तो आई एम हेयर टू अर्न रिस्पेक्ट। अब देखो दुकान खोली है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत पैसा कमाना ही आते हैं, तभी मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आता हूँ, अगर मैं ग्रो नहीं करूँगा तो मैं चीज़ें कहाँ से लेके आऊँगा। बट गलत काम करके या किसी की बुराइयाँ करके अपने आप को अच्छा बोल के वो चीज़ इट्स नॉट हेल्दी, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरी लगती है, बॉदर करती है, तो दोस्तों मेरा नेचर ऐसा नहीं है। आपके जसनीत भैया, आपके जसनीत सिंह, सरस्वती मोटर्स हमेशा सही राह पे चलेंगे, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट चलेंगे, एंड जैसा हूँ ऑफ कैमरा भी वैसा हूँ, ऑन कैमरा भी वैसा ही हूँ, आप आओ एक बार मुझे मिलो, अननोन बन के मिलो, ये मत कहना आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, अननोन बन के मिलो, अगर कुछ आपको मेरी नेचर में या मेरी बातों में फ़र्क दिखे तब मुझे आगे पकड़ना कि भैया मिस्ट्री बॉय गर्ल की बात कुछ और कह रहे थे, तो आई एम जस्ट सेम, जैसा आप मुझे वीडियो में देखते हो वैसे ही मैं यहाँ पे हूँ। बाकी यू आर मोस्ट वेलकम, करोल बाग में हमारी दुकान है, एड्रेस नीचे आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मल्टी लेवल पार्किंग हमारे सामने बहुत फेमस है, सुपरबाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स का गूगल मैप से भी सर्च कर सकते हो, एंड हमारा फेसबुक पेज भी है सुपरबाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स, और इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, एंड अभी तक अगर आपने मिस्ट्री बॉय ब्लॉग से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं कभी भी किसी दूसरे यूट्यूबर के उस पर नहीं देता। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर मिलेगा आपको, सिक्स हायाबुसा, चार ट्रैम, क्या बता हार्डले आएगी, अब बहुत से इंडियन भी खड़ी है गाइस, और इसको जरूर गैस कर ले दिया तूने। अब पाजी में मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं ना अगली बार तक वो बाइक मेरे को यहाँ दिखे ना दिखे, वैसे ये भी बात है, ये बात मैं अगर सही ना बोल रहा हूँ तो बता दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, ये ऐसे ही आप लोगों का प्यार है, जो चीज़ें बिक जाती हैं आप जल्दी से ग्रैब कर लेते हो, कोई डील आती है तो ऐसे ही बना रहे, कंडीशन ही ऐसी बाइक की होती है कि उसको ना लेना फिर तो एक बेवकूफ़ी होगी। थैंक यू सो मच। सो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, जसनीत सिंह फ्रॉम सुपरबाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स, मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स यूट्यूब से यूट्यूब से देन सी यू गाइस, पीस आउट, थैंक यू।